नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के कुरबाई में प्रशासन दिन रात एक करके हर तरह की मदद कर रहा है और आम जन को भी प्रशासन की पूरी मदद करना चाहिए। वहीं जरूरतमंदों की मदद करने के लिए समाज सेवी एवं राजनैतिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। SDM कुरबाई गोपाल सिंह वर्मा एवं तहसीलदार आशुतोष शर्मा की अपील पर लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूर एवं बेसहारा लोगों की मदद के लिए कुरबाई नगर के समाज सेवी एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उमा विजय सिंह जाट द्वारा एक सप्ताह की राशन सामग्री की 21 पैकेट स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है। वहीं नगर के अन्य समाज सेवी संगठनों के द्वारा भी गरीबों की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। और स्थानीय प्रशासन ने आह्वान किया था समाज सेवियों से कार्रवाई की यथासंभव जरूरतमंद लोगों की मदद करें। उसी संबंध में आज आपके द्वारा 21 लोगों को लगभग एक एक हफ्ते के राशन के पैकेट 21 जिला के प्रशासन को सौंपे गए हैं। ऐसी प्रेरणा लोगों को आपसे मिलती रहे, आप जिम्मेदार नागरिकों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहती हूँ कि यह विश्व और देश की बड़ी गंभीर समस्या है और इस समस्या में मुझे लगता है कि COVID-19 से निपटने के लिए जो हमारा जरूरतमंद तबका है उसे हमें मदद करने की आवश्यकता है। और यह जो युद्ध हम आज COVID-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें हर एक भारतीय एक सैनिक का काम करे। जो यथासंभव हमारे प्रयास हो सकते हैं देश सेवा के, अपने नगर की सेवा के, वह हमें करना चाहिए। जो भी प्रयास आप सबके द्वारा हो सकते हैं वह आप लोग कृपया करके करें। क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों को अपील की थी कि वो गरीबों की मदद के लिए आगे आए। उसी कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा जाट जी द्वारा आज 21 पैकेट प्रदान किए गए हैं। और भी समाज सेवियों द्वारा क्या इस तरह की मदद की जा रही है प्रशासन की? हाँ, आज हम सबसे पहले तो उमा सिंह जाट मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस कार्य की हमारे शुरुआत की है और आज लगभग 10-10 किलो वजन के 21 पैकेट है जिसमें परिवार के लिए पूरी सामग्री है एक सप्ताह भोजन की, ये हमें प्रदान किए हैं। ये हम समाज के दूसरे लोगों से भी सबसे अपील करना चाहेंगे कि कोरोना वायरस का संकट अभी आ रहा है, हम इसके लड़ रहे हैं और इसे लड़ने में जब तभी कामयाब हो पाएंगे कि जब इस तरह की मदद हमको मिलती रहेगी। और ये मदद जो मिली है हम बहुत जरूरतमंद जो परिवार होगा उस परिवार को ये पहुंचा देंगे ताकि ये जो बंद की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में भी वो भोजन बना के खा सके, रह सके। तो समाज के सभी लोगों से मेरी अपील है कि इसमें हमें और सहयोग दे ताकि कुरवाई क्षेत्र, कुरवाई के ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई समस्या आती है, किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता हो तो उसे हम दो वक्त का भोजन। ये जो लड़ाई है तो हम सबकी लड़ाई है और इस लड़ाई को न केवल प्रशासन बल्कि सारी आम जनता का हमें सहयोग चाहिए, आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए, जनप्रतिनिधियों का, पत्रकार बंधुओं का, समाज के सभी अंगों का सहयोग चाहिए। बेसिकली मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझाना चाहता हूँ कि तीन चीज़ें हैं। नंबर एक है स्वच्छता, उस स्वच्छता में आपकी सामुदायिक स्वच्छता भी शामिल है और व्यक्तिगत स्वच्छता शामिल है। दूसरा है सजगता, आप बेहद सजग रहें और जो पॉजिटिव खबरें हैं खासतौर पे कोरोना के बारे में उनको भी एक्सेप्ट करिए और जो वैज्ञानिक खबरें हैं उन वैज्ञानिक खबरों को भी एक्सेप्ट करिए, उन वैज्ञानिक खबरों पे अमल करिए। और स्वच्छता और सजगता के साथ आप न केवल अपनी बल्कि अपने पूरे समुदाय की, अपने टाउन की, अपनी कम्युनिटी की, अपनी कौम की और अपने देश प्रदेश सभी की सुरक्षा भी कर सकते हैं। ये तीन शब्दों में मेरा संदेश है कोरोना के खिलाफ। और अभी तक लॉकडाउन के चलते क्या लोगों में जागरूकता नजर आई आपके लिए? देखिए, जो लॉकडाउन हुआ है उस लॉकडाउन से जो एक सामुदायिक इन्फेक्शन वाली जो बात रहती है, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो ये आशंका थी कि बहुत बड़ी तादाद में जो संक्रमित लोग हैं वो अपने समुदाय को, अपने गांव को, अपने शहर को संक्रमित कर सकते थे। पर लॉकडाउन से निश्चित तौर पर ऐसी संभावनाओं पर, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कमी आएगी। हाथ लगाने पड़ेंगे दोनों 10 किलो के आसपास भोजन है।